हमने जो है, जैसे कि अभी आप मुझे बता भी रहे थे कि हमने क्या करना है स्टार्ट, हमने करना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी रिलेटेड टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हवाले से जो सबसे पहली चीज जो आपने जहन में रखनी है हमेशा, वो ये है कि क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि किस तरह एक उर्दू जबान समझने वाला, बोलने वाला किस तरह परफेक्ट टेंस को इंग्लिश के अंदर एग्जीक्यूट करके एक जुमला बना सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, इसके लिए सबसे पहली चीज यही है कि आपने के जहन में जब भी कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला टेंस आता है जिसे आपने बोलना है या लिखना है, सबसे पहले उसकी पहचान कैसे करनी है कि इसके ऊपर वो रूल्स अप्लाई होंगे इंग्लिश के जो हम अभी सीखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता चले कि हाँ ये वो उर्दू का जुमला है जिसे मैं जब इंग्लिश में इसका तर्जमा करूंगी तो उसमें वो तमाम असूल लागू होंगे जो एक परफेक्ट टेंस में होते हैं, पहली चीज। तो इसके लिए जो पहला असूल है वो ये है कि आपने ये देखना होता है कि उस उर्दू जुमले का सेकंड लास्ट वर्ड कौन सा है, ठीक है। अगर उस उर्दू जुमले का सेकंड लास्ट वर्ड आपको डिटरमिन करता है, ये बताता है कि वो कौन सा टेंस है इंग्लिश के अंदर, किसी भी उर्दू जुमले का अगर सेकंड लास्ट वर्ड है रहा, ठीक है, तो ये पहचान है कॉन्टिन्यूस टेंस की भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी, दोनों टेंसेस की। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर सिंपली रहा आ रहा है किसी भी उर्दू जुमले के सेकंड लास्ट वर्ड के तौर पर तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन अगर किसी भी उर्दू जुमले का सेकंड लास्ट वर्ड तो रहा ही है लेकिन उस जुमले के अंदर कोई मखसूस वक्त भी आ रहा है, कोई मखसूस वक्त आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ये फर्क है एक कॉन्टिन्यूस टेंस में और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। सबसे पहले ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। बेसिकली कॉन्टिन्यूस टेंस का भी सेकेंड लास्ट वर्ड उर्दू के जुमले में रहा ही है, यही उसकी पहचान है, यही उसकी आइडेंटिफिकेशन है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी सेकेंड लास्ट वर्ड जो है वो रहा ही मौजूद होता है, यही इसकी पहचान है। फर्क ऐसे करेंगी कि आपने कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, उसको आप कॉन्टिन्यूस वाले असूल लगाएंगी या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले असूल लगाएंगी, ये हमें बताएगा कि क्या उस जुमले में रहा के साथ कोई मखसूस वक्त भी मौजूद है या नहीं। मिसाल के तौर पे वो खाना खा रहा है, अब रहा इस जुमले का सेकंड लास्ट वर्ड है, ठीक है, वो झूठ बोल रहा है, रहा इस जुमले का सेकंड लास्ट वर्ड है, लेकिन इस दोनों जुमलों में, दोनों मिसालों के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई मखसूस वक्त नहीं है कि इतने बजे से या इतनी देर से या इतने सालों से ये झूठ बोल रहा है या इतने सालों से ये खाना खा रहा है या सुबह से खा रहा है, रात से खा रहा है, इसमें कोई वक्त नहीं है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन अगर इन्हीं जुमलों के अंदर आपके पास कोई मखसूस वक्त आ जाए, जैसे आप ये कहें कि वो 2 घंटे से खाना खा रहा है, वो सुबह से खाना खा रहा है, वो सदियों से झूठ बोल रहा है, वो 10 सालों से झूठ बोल रहा है, वो 5 मिनट से झूठ बोल रहा है, इन तमाम जुमलों के अंदर रहा के साथ एक मखसूस वक्त भी आ गया, ऐसी सिचुएशन में अब ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं रहे बल्कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो रहा प्लस अ स्पेसिफिक टाइम इज द अल्टीमेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो अल्टीमेट आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि आपने रहा के साथ कोई मखसूस वक्त भी जब आ जाए तो, ठीक हो गया, हाँ, कोई चीज आ जाए, वक्त आ जाए, वक्त मखसूस वाह, वक्त, अच्छा, वक्त बस सिर्फ आएगा, वक्त वक्त ही ही चाहिए। आएगा, हाँ जी, सुबह से, रात से, कल से, दोपहर से, शाम से, अच्छा व्हाटएवर इट इज, 5 मिनट से, दस ठीक मिनट से, कोई वक्त आएगा कि यार इतने बजे से ये काम हो रहा है, इतने बजे से वो ये कर रहा है, इतने बजे से मैं ये कर रहा हूँ, कुछ भी आ जाए, वो घड़ी का टाइम भी हो सकता है, वो मिनट, सेकंड, सदियां, सुबह से, रात से, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई भी वक्त जब आ जाए उस सेंटेंस के अंदर अलॉन्ग विथ रहा, तो तब वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं रहता बल्कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है। और यही फर्क है एक कॉन्टिन्यूस टेंस और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, दोनों का सेकंड लास्ट वर्ड रहा ही है। तो सिर्फ आपने ये डिटरमिन करना है कि क्या रहा वैसे ही आ रहा है या उसके अंदर कोई मखसूस वक्त भी है। अगर कोई मखसूस वक्त साथ में मौजूद है तो फिर वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं रहता बल्कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता, ठीक हो गया, ये पहली चीज है। उसके बाद क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर
एक मखसूस वक्त आ रहा है तो हमने उस वक्त को एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है। तो जाहिर बात है आप उस वक्त को लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, जुमले के एंड पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। और जो और वक्त को लिखने के दो हमारे पास क्या है, दो प्रपोजिशन होते हैं, एक है फोर और एक है सिंस। एक है फोर और एक है सिंस। क्या फोर, हाँ फोर को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जब कैसा वक्त हो तो फोर आएगा, हाँ, और सिंस कब आता है तो वक्त कैसा हो। देखें तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि फोर तब आता है अगर आपके सेंटेंस के अंदर जो वक्त है वो नंबर्स में है, ठीक है। अगर वो वक्त नंबर्स में है, नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक्स, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपका वक्त फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 6 seconds है, तो 6 एक नंबर है ना, तो आएगा 4, 6 seconds। अगर है 6 minutes से, 6 दिन से, 6 महीनों से, इससे फर्क नहीं पड़ता कि महीने है या दिन है, उससे पहले 6 तो है ना, 6 तो है, तो उस 6 की वजह से आप क्या लगाएंगे उससे पहले, 4, 4, 6 hours, 4, 6 days, 4, 6 months, 4, 6 years, कुछ भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि years है टाइम, या हमें वो कह रहा है कि वो 2 सालों से ये काम कर रहा है, 2 सदियों से कर रहा है, या 2 दहाइयों से कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या वहां पर 2, 3, 4, 5, 50, 100, 500 है, कोई नंबर है। अगर नंबर है तो ऐसे वक्त को बताने के लिए आप उससे पहले फोर का इस्तेमाल करेंगे, सिंस नहीं लगाना, ठीक है। इसी तरह अगर कोई ऐसा लफ्ज आ जाए वक्त के तौर पे जिसके अंदर कोई इनडेफिनेट नंबर मौजूद है, यानी ऐसा नंबर तो होगा लेकिन हमें मालूम नहीं, मिसाल के तौर पर जब हम ये कहते हैं कि वो कई सालों से ये काम कर रहा है, कई सालों से, अब कई सालों से मैनी कहते हैं कई को, अब मैनी के अंदर, मैनी ईयर्स के अंदर कोई ना कोई साल तो होंगे 10, 15, 20, 25, लेकिन हमें वो नंबर नहीं मालूम। ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, हमने फोर ही लगाना है, ठीक है, सिंस नहीं लगाना, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर फ्यू ईयर्स, क्योंकि फ्यू मैनी मच ऐसे अल्फाज हैं इंग्लिश के जिसके अंदर कोई ना कोई नंबर ही छुपा होता है, ठीक है। तो जो ऐसे अल्फाज आ जाएं, यानी कुछ सालों से, कुछ दिनों से, कुछ सेकंड से, बहुत दिनों से, ठीक है, फॉर मैनी डेज, अब जो इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, जब ऐसा वक्त आ जाए जो ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल है जिसके अंदर कोई ना कोई नंबर छुपा होता है, ऐसे अल्फाज के साथ भी आपने फोर ही लगाना है, ठीक है। अगर वो कई दिन से झूठ बोल रहा है तो आप क्या कहेंगे, फॉर मैनी डेज, सिंस मैनी डेज नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। तो आपने नंबर्स के साथ फोर लगाना है, और जो है आपने इनडिफाइंड नंबर्स के लिए ऐसे अल्फाज जिसके अंदर कोई ना कोई नंबर छुपा हो, जैसा कि फ्यू, मैनी, सम, ऐसे वर्ड्स के साथ भी आपने फोर का इस्तेमाल ही करना है वक्त बताने के लिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने सिंस नहीं लगाना। अब बात आती है कि फिर सिंस कहाँ आता है, सिंस तब आएगा जब आपका वक्त जो है वो कोई लफ्ज पर मुश्तमिल हो, यानी कोई भी वर्ड, लाइक सुबह से, सुबह से सो रहा है तो सुबह से, अब सुबह कोई नंबर नहीं है, सुबह एक लफ्ज है, एक वर्ड है, तो सुबह से क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, ठीक है, सिंस द डे बिफोर टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, सॉरी, सिंस द डे आफ्टर टुमारो, तो कोई भी लफ्ज, सिंस क्रिसमस, सिंस ईद। तो आप क्या करते हैं, आप इन अल्फाज के साथ जब भी ये वक्त होगा तो इनके साथ आप क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, आप फोर नहीं लगाते। इसके अलावा सिंस तब आता है जब आपका वक्त कोई स्पेसिफिक ईयर है, कोई मखसूस साल है, मिसाल के तौर पे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जिस तरह कि आपके पास है कि 1948 से, तो 1948 से, तो 1948 से कहेगा सिंस 1948, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल दी थी कि आपको बहुत सारी जो है प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, और इसके अलावा आपको बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दुकानें हैं, आपको उनके बाहर लिखा हुआ मिलता है कि सिंस 1942, सिंस 1948, सिंस 1886, सिंस, तो ये क्या है कि जब भी आपने वक्त बताना है कि ये काम उस टाइम से हो रहा है, ठीक है, ये तब से एस्टैब्लिश किया गया था, तो आप वहां पर जब मखसूस साल आ जाए तो उससे पहले आप सिंस लगाते हैं, फोर नहीं लगाते। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 2012 भी तो एक नंबर है, 2012 एक नंबर नहीं है, 2012 एक साल है, ठीक है, 2012 इसी तरह 2016, जिस तरह कि मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप ये कहें कि मैं 2016 से ये काम कर रही हूँ, तो 2016 से कारोबार कर रही हूँ, तो 2016 से जब आप ये कहेंगे तो आप लिखेंगे सिंस 2016, ठीक है, क्योंकि मखसूस साल के साथ आप सिंस लगाते हैं, फोर नहीं लगाते। लेकिन अगर आप ये कहें, क्योंकि ये 4 साल बनते हैं, आप कहेंगे मैं 4 साल से ये काम कर रही हूँ, अब 4 एक नंबर है,
यहाँ पर आप कहेंगे फॉर फोर ईयर्स, यहाँ पर आपने सिंस नहीं लगाना बल्कि आप फोर लगाएंगे, ठीक है। तो नंबर्स के साथ फोर, अनडिफाइंड नंबर्स के साथ फोर, लेकिन कोई अगर आपका जो वक्त है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर वो कोई एक लव्स है तो वहां पर सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, सिंस क्रिसमस, ये काम ईद से हो रहा है तो सिंस ईद आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ईद कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप सिंस लगाएंगे तो वर्ड्स के साथ सिंस आएगा, और इसके बाद किसी स्पेसिफिक ईयर मखसूस वक्त के लिए भी सिंस आएगा, यानी अगर ईयर आ जाए उसके लिए, कोई मखसूस साल आ जाए तो उसके लिए सिंस आएगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लॉक टाइमिंग के लिए सिंस आता है, ठीक है। क्लॉक टाइमिंग कैसे हो सकती है, जब आपके पास हो कि वो 3 बजे से ये काम कर रहा है, अब 3 बजे से बजे जो है इट्स अ क्लॉक टाइम, ठीक है, ये घड़ी का वक्त है, तो घड़ी का जो वक्त होगा उसके साथ भी आप हमेशा सेंस लगाते हैं, आप फोर नहीं लगाते, यानी अगर घड़ी का वक्त भी 3 तरीके से आ सकता है जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर, लाइक आप ये कर सकते हैं कि 3 बजे से यानी 3 o'clock, या अगर आपको पता है कि दोपहर के 3 बजे से तो 3 p.m. और अगर सुबह के 3 बजे से तो 3 a.m. जो चाहे ओ क्लॉक हो, वेन यू हैव नॉट डिफाइंड वेदर इट्स मॉर्निंग और इवनिंग। सॉरी आप लिख रहे हैं? नहीं मैं नहीं लिख रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये 3 o'clock आ जाएगा, चाहे 3 o'clock हो, चाहे 3 p.m. हो, चाहे 3 a.m. हो, 3 तरीके से घड़ी का वक्त आ सकता है ना जी। अब शाम को, अब जो हम 3 p.m. भी लिख सकते हैं, 3 p.m. होता है दोपहर के 3 बजे ना। हाँ जी, दोपहर के 3 बजे। हाँ, और अगर रात के 3 बजे होगा तो वो 3 a.m. होगा, रात के 12 बजे के बाद am शुरू हो जाता है ना, दोपहर के नून के बाद, यानी 12 p.m. से फिर स्टार्ट हो जाता है इस टाइम, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3:16 p.m. राइट नाउ, ठीक है। बट ऑब्वियसली जब रात के, यानी जिसको हम सुबह के बेसिकली कहते हैं, तो वो 3:16 a.m. हो जाएगा, जस्ट बिफोर फजर, तो वहां पर वो टाइम आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्लॉक टाइम 3 तरीके से हो सकता है, am, pm और o clock, ठीक है। तो 3 तरीके से, अब तीनों जो घड़ी के वक्त है, इनसे पहले आपने सिंस लगाना है, इनसे पहले आपने फोर नहीं लगाना, ठीक है। यानी कि अगर हो वो 5 बजे से सो रहा है तो आप कहेंगे सिंस 5 o'clock, वो शाम के 5 बजे से सो रहा है सिंस 5 p.m. और या सुबह 5 बजे से सो रहा है तो सिंस 5 a.m. सो घड़ी का वक्त जब आ जाए आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एज अ वक्त, तब भी आपने सिंस इस्तेमाल करना है। तो 3 चीजें हो गई हमारे पास, सिंस कब आएगा, जब कोई जो वक्त है वो कोई लव्ज है तब आप सिंस लगाते हैं, जब कोई खास साल है, मखसूस साल है 2012, 2015, 2012 तब आप सिंस लगाते हैं, और इसके अलावा सिंस आप तब लगाते हैं जब आपके पास जो है कोई क्लॉक टाइमिंग है वक्त के तौर पर, यानी 5 बजे से 6 बजे से 12 बजे से, तो ये घड़ी के औकात होते हैं। तो घड़ी के औकात के लिए भी आपने क्या इस्तेमाल करना है, सिंस इस्तेमाल करना है, फोर इस्तेमाल नहीं करना। और फोर कब इस्तेमाल होगा बुनियादी तौर पे, जैसे कि हमने पहले सीखा कि फोर इस्तेमाल होता है जब आपके पास जो वक्त है वो नंबर्स में है, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, चाहे वो सेकंड्स हो, चाहे वो मिनट्स हो, चाहे वो सदियां हो, इसे फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता है फोर जिसके अंदर कोई ना कोई एक मुबहम किस्म का वक्त या नंबर मौजूद होता है, जैसे कि मैनी, फ्यू, सम, तो आगे चाहे ईयर्स हो, सेकंड्स हो, इससे पहले भी आपने फोर लगाना है, क्योंकि मैनी, सम, फ्यू के अंदर कोई ना कोई नंबर होगा जो हमें मालूम नहीं है। क्लियर, ये है जो है कहाँ आपने फोर और कहाँ पर आपने सिंस इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो अगली चीज थी वो है कि हमने टेंस को बनाना कैसे है, इसके अंदर क्या रूल्स और क्या प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अंदर आपने याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इस्तेमाल होता है, जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ही इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, यानी चाहे रहा है और मखसूस वक्त हो, जैसे मिसाल के तौर पर वो 2 घंटे से सो रहा है, या मखसूस वक्त के साथ रहा था हो, यानी वो 2 घंटे से सो रहा था, या मखसूस वक्त के साथ फ्यूचर में हो, यानी वो 2 घंटे से सो रहा होगा। तीनों सिचुएशन में आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगानी है, यानी वॉक नहीं वॉकिंग, स्लीप नहीं स्लीपिंग, टेक नहीं टेकिंग, मेक नहीं मेकिंग, तो फर्स्ट फॉर्म और ing। जहां तक हेल्पिंग वर्ब्स की बात है, तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आपको पता है कि तीनों एराज के अंदर, तीनों एजेस के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। प्रेजेंट के अंदर कोई और हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट में कुछ और फ्यूचर में कुछ और। तो यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी रहा है प्लस मखसूस वक्त वाले जुमले में, हैज और हैव 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज एंड हैव, एच ए एस हैज
अगर एच ए वी ई हैव, लेकिन आगे बीन भी लगाना, तो हैज बीन और हैव बीन, ठीक है? क्या है हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर? हैज बीन, बी डब्ल्यू एन, हैज बीन एंड हैव बीन. फिर से बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी जब भी आपके पास ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर रहा है और एक मखसूस वक्त मौजूद हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है. उसमें आप हमेशा has been या have been helping verbs इस्तेमाल करते हैं. has been तब आता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट एक आदमी है, जब एक शख्स है जब सब्जेक्ट, और अगर ज्यादा लोग हैं, प्लूलर्स हैं, तो फिर आप has been की जगह पर have been इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. जहां तक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात है, जब आपके पास रहा था वाला सेंटेंस आ जाए मखसूस वक्त के साथ, जैसे कि वो 2 घंटे से सो रहा था, जैसे कि वो 10 सालों से झूठ बोल रहा था, जैसे कि वो सुबह से कपड़े धो रहा था और साथ में मखसूस वक्त भी आ गए हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. इसमें आपने एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो इस्तेमाल करना है, वो है हैड बीन, एच ए डी हैड और बीन बी. तो हैड बीन इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. उसके बाद आगे फ्यूचर की बात. जहां तक फ्यूचर की बात है, जब आपके पास रहा प्लस होगा और साथ में कोई मखसूस वक्त हो, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. यानी सर ज्यादा लोगों के लिए भी हैड बीन इस्तेमाल करना है ही, एक सबके लिए, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो सिंगल हो. हमारे पास पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड बीन. जैसे जो कि प्रेजेंट में 2 है ना, हैज बीन सिंगुलर्स के लिए एक बंदे के लिए, और ज्यादा लोगों के लिए हैज बीन, सॉरी हैव बीन. लेकिन माजी में ऐसा नहीं है, पास्ट में ऐसा नहीं है. पास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो सिंगुलर्स हो या प्लूरल्स हो, उन सबके लिए हम एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और वो है हैड बीन. जहां तक बात है मुस्तकबिल की, फ्यूचर की, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी जब रहा होगा आ जाए और उसके अंदर कोई मखसूस वक्त भी हो, यानी वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो. मिसाल के तौर पर वो 2 घंटे से झूठ बोल रहा होगा, वो सुबह से मेहनत कर रहा होगा और साथ में मखसूस वक्त भी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वो है विल हैव बीन. क्या है? विल हैव बीन, ठीक है? ये 3 लफ्जों पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव फिर बीन, ठीक है? डब्ल्यू आई डबल एल. अब सर ये जो है will have been, बस यही इस्तेमाल करना है, एक बंदा हो चाहे ज्यादा बंदा, ज्यादा हो, इसमें भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर्स के लिए भी प्लूरल्स के लिए भी, चाहे कोई भी हो, एक बंदा हो. सिर्फ प्रेजेंट के अंदर 2 है, प्रेजेंट के अंदर 2 है, has been और have been. पास्ट के अंदर भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है had been, और फ्यूचर के अंदर भी सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, वो है will have been, ठीक है? तो आगे आपने क्या यूज करनी है? 3 के अंदर ही फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इस्तेमाल करनी है, ठीक है? ये है इसके रूल्स. अब आपको पता है ना ये नॉट कहाँ लगना है, अगर नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है कि वो सुबह से नहीं सो रहा है, वो सुबह से नहीं सो रहा था, वो सुबह से नहीं सो रहा होगा, ऐसी सिचुएशन में आपने नॉट कहाँ लगाना है? नॉट का मतलब है नहीं, तो नहीं आप कहाँ लगाते हैं? नहीं आप लगाते हैं जब 2 लफ्ज वाला हेल्पिंग वर्ब हो, तो दोनों के बीच में. तो हैज बीन या हैव बीन 2 लफ्ज है ना, तो आप नॉट कहाँ लगाएंगी? इनके बीच में, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन. इसी तरह माजी में क्या हो जाएगा? पास्ट में. पास्ट में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, ये भी 2 लफ्जों पे मुश्तमिल है, तो इस सूरत हाल में भी आपने नॉट जो है वो दोनों के बीच में लगाना होता है. तो क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन, ठीक है? माजी में क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन. हैड और बीन यानी हेल्पिंग वर्ब्स के जो दोनों अल्फाज हैं उसके दरमियान में आप नॉट लगा देंगे. इसी तरह जहां तक फ्यूचर, जी जी, हैव बीन, हैव नॉट बीन लगाना है ना जी, बिल्कुल. Had not been हो जाएगा. Have not. Had not been. हाँ जी. इसी तरह has not been, have not been, had not been. Has not been. हाँ. फिर had not been. जी बिल्कुल. फिर will be have. नहीं 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 नहीं. No 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 no. सुने. Future में 3 अल्फाज हैं. Future के जो helping verb में 3 अल्फाज हैं. वो है will, have, been. ठीक है? जब 3 लफ्ज वाला हेल्पिंग वर्ब हो, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है. वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ये है कि आपने नॉट जो है वो पहले 2 अल्फाज के दरमियान में लगाना होता है. ये असूल है, ये हमेशा के लिए याद रखें. अच्छा. जब 3 लफ्ज वाला हेल्पिंग वर्ब हो, तो पहले 2 अल्फाज के दरमियान में नॉट लगाना है. तो क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फाज हैं, विल, हैव बीन,
तो आप पहले दो अल्फाज के दरमियान में नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन है तो पहले दो के दरमियान में नॉट लगाएंगे हमेशा, तो ये हो जाएगा विल नॉट हैव बीन, ठीक है। तो इस तरह आप नॉट का इस्तेमाल कर देंगी नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो नॉट कहाँ लगाना है आपने, will not have been ही आएगा, has been तो नहीं आएगा ना, नहीं नहीं have ही, has यही है अब, ठीक है, will have been है, तो आपने will have been में सबसे पहले will और have के दरमियान में not लगा देना, यहाँ पर future में कोई has नहीं आता, सिर्फ will have been है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो फिर आप क्या करते हैं, सवालिया जुमला हो तो क्या करते हैं, वहां पर भी वही यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल लॉ है, जो मैंने आपको सबसे पहले यूनिवर्सल लॉज लिखवाए थे उसमें मैंने आपको जो रूल नंबर 4 था रिलेटेड टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले से रिलेटेड, वो यही था कि आपने करना क्या है, अगर सवालिया जुमला आ जाएगा क्या वो 2 घंटे से सो रहा है, क्या वो 2 घंटे से सो रहा था, क्या वो 2 घंटे से सो रहा होगा, क्या वो सुबह से खत लिख रही है, क्या वो सुबह से खत लिख रही थी, क्या वो सुबह से हाथ लिख रही होगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, और इसके अंदर रहा भी आ जाए तो मखसूस वक्त भी है, सवाल भी है, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसी सिचुएशन में जब सवाल हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब को जुमले के स्टार्ट में लेकर जाना होता है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब 2 अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो सिर्फ पहला वर्ड जुमले के स्टार्ट में जाता है, दूसरा नहीं जाता, यानी हैज और जुमले के स्टार्ट में चला जाएगा, बीन नहीं जाएगा, हैव जुमले के स्टार्ट में चला जाएगा, बीन नहीं जाएगा, यानी दूसरा लफ्ज अपनी जगह पे ही रहेगा जहां होता है सब्जेक्ट के बाद, लेकिन पहला लफ्ज जो है वो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चला जाता है, वो उसको हम स्टार्ट में ले जाते हैं। इसी तरह जो पास्ट में अगर आप चले जाएं तो 2 लफ्ज पे मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो जो पहला लफ्ज है वो जुमले के स्टार्ट में चला जाएगा हैड, जबकि दूसरा लफ्ज बीन वहीं पर मौजूद रहेगा, दूसरे लफ्ज को आपने स्टार्ट में नहीं लेकर जाना। इसी तरह यहां तक बात है फ्यूचर की, तो यहां पर अब 3 अल्फाज है, जैसे 3 अल्फाज का प्रोटोकॉल ये है कि हमने उसके पहले 2 अल्फाज के दरमियान में नॉट लगाना होता है। इसी तरह जहां तक इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी इसका एक स्पेशल प्रोटोकॉल ये है कि अगर 2 लफ्ज नहीं बल्कि 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो ऐसी सिचुएशन में हम पहले लफ्ज को ही जुमले के स्टार्ट में लेके जाते हैं, दूसरा भी वहीं रहता है, तीसरा भी वहीं रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ पहला वर्ड जुमले के स्टार्ट, will have been है तो हम सिर्फ will को लेकर जाएंगे, हाँ जी, will को जुमले के शुरू में लेके जाएंगे, have भी वहीं रहेगा और been भी वहीं रहेगा, सिर्फ will जुमले के स्टार्ट में जाएगा, ठीक है। तो will जाएगा स्टार्ट में, have भी वहीं और been भी वहीं, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं, ये है रूल्स इसके, तो ये है इसके सिंपल प्रिंसिपल्स। जी जी, इसमें हेड भी आता है ना सर, किसमें मतलब अगर हेड आएगा था में, अगर था होगा, हाँ, तो था होगा तो हेड बीन है ना पास्ट में, तो हेड को शुरू में लेके जाएंगे, बीन वहीं रहने देंगे, पहला लफ्ज जाएगा दूसरा नहीं जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर में 3 है, 3 अल्फाज है ना विल हैव बीन, तो विल सिर्फ जुमले के स्टार्ट में जाएगा, हैव भी में रहेगा और बीन भी रहेगा, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, देखिए एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, देखिए रहा है इसके अंदर ना सेकंड लास्ट वर्ड रहा। अब अगर ये होता वो क्रिकेट खेल रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता क्योंकि है भी ये प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि वो ये कह रहा है ये सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, सुबह एक मखसूस वक्त आ गया, तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहा, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि इसके अंदर एक मखसूस वक्त भी आ रहा है के साथ, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो वो क्या होता है ही। अब हेल्पिंग वर्ब्स के हमारे पास प्रेजेंट में हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन कब बना है, जब एक बंदा है तो ही तो एक ही बंदा है ना, ठीक है, वो खेल रहा तो वो क्रिकेट खेल रहा है तो ही के साथ लगाएंगे ही हैज बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी है, यस, प्ले प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होती है, उसके आगे आईएनजी लगेगा तो प्लेइंग हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, खेल क्या रहा वो क्रिकेट, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब आगे क्या है, सुबह से एंड पे आपने वक्त बताना है, ठीक है, तो he has been playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहा है सुबह से, तो सुबह के लिए सेंस आता है या फोर आता है बताइए जरा, सुबह के लिए आएगा सेंस, क्योंकि नंबर नहीं है, सेंस मॉर्निंग, जी जी ठीक है, सेंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर आप इसको कैसे जुमले को लिखेंगी कि he has been playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहा है सिंस मॉर्निंग, सुबह से,
ठीक है, तो he has been playing cricket since morning. Since morning. ठीक है, अगर होता कि वो दो घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो आप इसको ऐसे लिख देती कि he has been playing cricket for 2 hours, क्योंकि वहां पर टू आ गया, नंबर आ गया, तो वहां पर फोर आता, सिंस ना आता. ठीक है, तो he has been playing cricket for 2 hours, और होता घंटे, तो he has been playing cricket for 2 hours. या अगर पहले सेंटेंस के अंदर आपने क्या किया कि he has been playing cricket since morning, तो आपने मॉर्निंग के साथ सेंस लगाया, और जब आपके पास न्यूमेरिक्स आ गए तो आपने फोर लगाना है कि फोर 2 hours. ठीक है जी, तो दिस इज हाउ यू ट्रांसलेट. He has been playing cricket. Cricket for 2 hours. दो घंटों से है ना, तो दो एक नंबर है, इसलिए आपने यहाँ पर फोर का इस्तेमाल किया, फोर टू आवर्स. ठीक है, यहाँ पर आपने सिंस नहीं लगाना, फोर लगाना. अगर वो 1995 से क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर फोर आएगा या सिंस आएगा? यहाँ पर सिंस आएगा. एग्जैक्टली, he has been playing cricket since 1995, क्योंकि ये एक अब वक्त जो है वो एक मखसूस साल है. ठीक है, अच्छा जो ये सिंस वगैरह ये सब कुछ आखिर में आएंगे, एंड पे आना है, वक्त हमेशा आपने एंड पे लगाना है सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद. ठीक है, या फोर के साथ वक्त लगा देना, जैसे हमने फोर टू वर्ड्स लगाया, सिंस मॉर्निंग लगाया, सिंस 1995 लगाया, आएगा ये एंड पे जुमले, वक्त एंड पे लगाना. नंबरिंग में फोर आएगा, नंबरिंग के लिए फोर आएगा, और बाकी जो है साल के लिए या घड़ी के वक्त के लिए, साल के लिए या घड़ी बताने के लिए, तो जी वक्त बताने के लिए सिंस या फोर आता है. तो आपने ये देख लेना कि वक्त किस किस्म का है, अगर वक्त नंबर्स में है तो फोर, अगर वक्त वर्ड्स में है तो सिंस, अगर वक्त कोई मखसूस साल है तो सिंस, जिस तरह 1995 से आया, या अगर वक्त कोई घड़ी का वक्त है तब भी सिंस. यानी अगर वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक घड़ी का वक्त आ गया ना, तो आप कहेंगे he has been playing cricket since 2 o'clock. ठीक है, और अगर वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो रहे हैं ज्यादा हो गए ना, फिर आपने have been लगा देना, they लगाएंगे ना, वो they have been playing cricket. हाँ जी, वो ज्यादा हो गया ना, he की जगह he तो किसी एक एक सिंगल लड़के के लिए था, अब ज्यादा लोग हैं तो क्या हो जाएगा, they हो जाएगा ना. ठीक है, तो उसको कर देंगे they, उसके बाद अब has been की जगह क्या आ जाएगा, have been. ठीक है, तो they have been playing cricket for 2 hours, या since morning, या since 1995, it depends के time क्या है. तो आपने सिर्फ has been की जगह have been कर दिया, क्योंकि has been तब लगाया जब he एक बंदा था, जब ज्यादा लोग हैं तो हमने have been लगा दिया, तब हमने has been इस्तेमाल नहीं किया, ज्यादा लोगों के साथ have been आता है. ठीक हो गया. अच्छा, अब अगर हमने करना है कि वो 1965 से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम we have been playing cricket since 1965. नहीं नहीं, they आएगा ना, वही तो हम होता है, आप कह रहे हैं वो खेल रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, they have been playing cricket since 1965. ठीक हो गया. अब आप इसको करें कि वो 1965 से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आपने सिर्फ नॉट लगाना है, तो कहाँ लगेगा नॉट लगाना है, नहीं, हाँ. they have not been playing cricket since 1965. सिर्फ आपने और अगर हमने करना है क्या, हाँ, तो आप हैव को शुरू में हमने करना है क्या, हाँ, वही ना, क्या वो 1965 से क्रिकेट खेल रहे हैं, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1965. ठीक है, सिर्फ हैव को आपने शुरू में लेके जाना, बीन वहीं रहेगा. ठीक है, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1965, क्या वो 1965 से क्रिकेट खेल रहे हैं. जी, और अगर हम करेंगे था थे तो हम हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन, हाँ, मतलब हैड बीन लगाए, हाँ, यानी वो कहते हैं कि वो 1965 से क्रिकेट खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1965. अगर वो 2015 से क्रिकेट, सॉरी 2022 अभी आना, फ्यूचर में जाते हैं, 2022 से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2022. ठीक है, तो आपने हैज बीन और हैव बीन की जगह पास्ट में हैड बीन लगा देना, और फ्यूचर और मुस्तकबिल हो तो विल हैव बीन लगा देना.
और आप मुझे अपनी रिकॉर्डिंग जरूर भेज दीजिएगा मैं सर, कर दूंगा, मैं बस आपको सेंड थोड़ा कर, सा ना। आप, आपको हाँ समझ आया? आज आया मुझे समझ में, ठीक है परसों मुझे बिल्कुल ही समझ में आया था, ठीक है, तो ये आज मुझे आपने, बहुत समझ में हाँ आया। ये जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एक मैं रिकॉर्डिंग जरा सेव कर लूँ, ठहरे। जी।